हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष के दर। हाँ तो गाइस, ये जो डायरेक्टर सुकुमार सर की तरफ से और पुष्पा मूवी की टीम की तरफ से जो अपडेट आया ना, लिटरली गाइस किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने भी नहीं किया था और ऑल अल्लू अर्जुन सर के डाई हार्ट फैन है उन्होंने भी नहीं किया था। क्योंकि आप लोगों को पता है, कल मूवी की टीम ने ऑफिशियली लेवल पे कन्फर्म किया था कि हम 15 अगस्त के दिन आने वाले हैं, दमदार लेवल पर आने वाले हैं। तो गाइस अभी कुछ ही देर पहले मैं एक ऐसा शॉकिंग, ऐसा होता है ना कि एक ऐसा कांड देखकर आ रहा हूँ जिसे देखने के बाद मतलब कि अंदर से हिल सा गया हूँ कि यार कोई भी डायरेक्टर हो, कोई भी प्रोड्यूसर हो, कोई सी भी मूवी हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी मूवी हो, अगर मूवी की टीम कुछ भी बोल रहे हो ना तो भाई सब ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और आप लोगों को ये भी पता है, पोस्टपोन का जो अपडेट निकल कर आया था सबसे पहले मैंने ही आप लोगों के साथ शेयर किया था क्या रीजन है क्या नहीं है। फिर उसके बाद जो मूवी की टीम बैक टू बैक कंफर्मेशन कर रही थी वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। लेकिन गाइस अभी जो ट्वीट किया है ना, उसे जानने के बाद भाई सब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। पहले ट्वीट रीड आउट कर लेते हैं, आफ्टर दैट पोस्टर आएंगे। लेकिन पोस्टर के बारे में जो प्रीवियस में मैंने आप लोगों को बताया था, एक्यूरेट बताया था, तो गाइस पहले अपन ट्वीट रीड आउट कर लेते हैं। स्क्रीन पर देखे भाई, पहले दिमाग खराब है, स्क्रीन पर देखे। We intend to give you the best. The weight increases for a memorable experience on the big screens. ये मूवी की टीम ने ट्वीट करते हुए कहा है, पुष्पा द रूल ग्रैंड रिलीज वर्ल्ड वाइड ऑन 6th of December 2024। और गाइज आप लोगों को पता है, आज से 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर काफी लोगों से मेरी बहस हुई, काफी लोग मेरे अगेंस्ट हो गए, काफी लोग मुझसे आर्ग्यूमेंट भी करने लग गए। मैंने उस समय यह बताया था कि दिसंबर मंथ के फर्स्ट वीक में ये मूवी रिलीज होने वाली है। और आप लोगों को बताता चलूं, जो पुष्पा का फर्स्ट पार्ट था उसकी जो रिलीज डेट थी आई थिंक 7th of June की थी, तो उसी टाइम मूवी की टीम ने प्लानिंग किया था। ये वीडियो में मैंने प्रॉपर तरीके से बताया था और आज देख लो भाई सब हो गया। मतलब कि अगर आप देखें ना तो सारी अपडेट, पोस्टपोन की अपडेट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो रिलीज होने वाला था वो भी मैं आज से 4-5 दिन पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। मतलब ये थंबनेल में, ये वाले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, सारा का सारा अपडेट मैंने आप लोगों के साथ एक्यूरेट किया। और ये जो मूवी की टीम ने डायरेक्टर सुकुमारन सर ने और अल्लू अर्जुन सर के फैंस के साथ जो हत्याकांड किया है ना, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। तो अब पोस्टर के बारे में बात कर लेते हैं। और सच बताऊं ना गाइस, मैं पोस्टर की वजह से चुपू, लिटरली गाइस पोस्टर की वजह से चुपू, बाकी आप तो मेरा गुस्सा जानते ही हैं। तो गाइस ऑफिशियल जो रिलीजिंग डेट है 6th of December है और आपको पोस्टर में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो आइकन स्टार अल्लू अर्जुन सर प्रॉपर तरीके से सन्नी देवल की तरह बांधे बूंद के आ रहे हैं और हाथ में जापानीज चाइनीज तलवार कैरी कर रखी है। बैक साइड पे भाई सब अपना एक चेयर देखने को मिल रही है। अब बैक साइड पे जो सन है वो समझ नहीं आ रहा, लेकिन अब वो क्या है, आग है, क्या होने वाली है। और प्रॉपर तरीके से सूट उट कैरी कर रखा है भैया अपने आइकन स्टार अल्लू अर्जुन सर ने। देखिए भाई मूवी की टीम कितनी अटेंटिव है यार। और मैं तो भाई देखो, मूवी की टीम ने अगर जो फैसला किया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया वो इम्पॉर्टेंट है जो मूवी की टीम सोचती है, क्योंकि वो जो आउटपुट देगी ना काफी खतरनाक देने वाली है। बाकी क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं मूवी की टीम ने ये जो एक्शन लिया इसको पोस्टपोन करने का, तो कहीं ना कहीं सच है। वैसे मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। और भाई हम तो अल्लू अर्जुन सर के डाहाट फैन है, मूवी की टीम अगले साल भी पोस्टपोन कर देगी ना तो हम रेडी बैठे हुए, हम कहीं डस से मस नहीं हो रहे हैं। वैसे गाइस आप लोग हमें बताएं, आइकन स्टार अल्लू अर्जुन सर की मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी पुष्पा द रूल के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड, और आपके क्या ओपिनियन है पुष्पा द रूल की न्यू रिलीज डेट के बारे में, मेरी ऑल अपडेट्स के बारे में, पोस्टपोन के बारे में, क्या लगता है न्यू पोस्टर के बारे में, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपका भी इंस्पायर्ड और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।